फोर प्लांट एनाटॉमी. और लास्ट टाइम हमने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में. अब हम करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में. हम करेंगे सो परमानेंट टिश्यूज की प्रॉपर्टीज हमने बताई हुई है. टाइप्स करने हमारे पास दो टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज है. सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज फॉर्मड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. टिश्यू में सारे सेल्स जो है वो सिमिलर टाइप के हैं, उन्हें हम कह देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. ये आगे फर्दर थ्री टाइप के हैं. पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है दीज आर फॉर्मड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो ये टिश्यू क्यों है अगर ये डिफरेंट टाइप के सेल्स है, बट दे कोलैबोरेट टू परफॉर्म सेम फंक्शन. तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू क्या चीज है? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, दैट इज ए टिश्यू. यहां पे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. दो टाइप है, जाइलम एंड जाइलम ऑल्सो कॉल्ड एज हेड्रोन. फ्लोएम ऑल्सो कॉल्ड एज लेप्टन. पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा फंक्शन अगर हम मेन पे अभी हम डिटेलिंग करेंगे, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन. ये मेन काम है इसका. कोलेन्काइमा का प्रोवाइड स्ट्रेंथ विद फ्लेक्सिबिलिटी. बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस है वो हवा से, है ना, वो ऊपर नीचे झूमती रहती है. दे बेंड एंड देन कम टू द सेम प्लेस बट दे डू नॉट ब्रेक. That is due to कोलेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा स्टेम में है मेनली, जिसके कारण खड़ा हुआ है, हिलता जुलता नहीं है. इट इज द चीफ मैकेनिकल डिश. अगर हम पेरेन्काइमा के सेल्स देखें
they can be oval, इसी तरह से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं oval भी हो, isodiametric भी हो सकते हैं, different sizes के हैं, इस तरह से, या फिर ये भी parenchyma cells. They don't have intracellular spaces or few intracellular spaces. ये देखो cells के बीच में यहाँ पे spaces नजर आ रही है intracellular. Olenchyma. इनकी भी different shapes है. But क्या फर्क है? That they have thickenings at the corners. इसलिए कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. Their cell walls are thick. At the corners, no intracellular spaces, but they have chloroplasts. ये मैं अंदर जो दिखा रही हूँ, ये क्या है? These are chloroplasts. So they help in photosynthesis also. थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, but थोड़ी सी photosynthesis. जो sclerenchyma है, they are either fibers, sclerenchyma fibers, having very thick wall, sclerenchyma fibers key. These are present in bundles. Cells are dead. And these are thick wall. These are fibers. Or kya ho sakte hai? Stone cells. ये सब ये जो है बाहर ये thick wall है, अंदर lumen है, lumen में जो इसकी खाली जगह है. This is sclerae, singly occurring. ये सारी thick wall. These are both are sclerae. ठीक है, पहले ये लिखो, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज बता दूं. जाइलम, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? दैट इज ट्रकीज, वेसल्स, xylem parenchyma and xylem fibers. जो phloem है seed tubes,
companion cells, phloem parenchyma, and phloem follicle. ठीक है, ये इसके जो है ये एक मैंने आपको ब्रॉडली एक बता दिया टेबुलर फॉर्म में, फिर हम इनकी हर एक के डिटेल पर. ठीक, पहले आप ये करें. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सिंपल परमानेंट की डिटेल्स आ जाते हैं. हम ये डिफरेंसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज पेरेंकाइमा कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा. ये तीन टाइप के टिश्यूज है. ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, और ये डेड है. This is thin wall. जो कोलन कलमा है has thickening soft किसकी है सेल्यूलोस पेक्टिन्स एंड हेमी सेल्यूलोस. बेटा आपने नाइन्थ क्लास में सेल स्ट्रक्चर किया होगा, ठीक है, तो उसमें हमने यहां भी करना है बट अभी थोड़ा सा लेटर ऑन. कि जो प्राइमरी सेल वॉल है, कोई भी ये जनरल प्लांट सेल वॉल है, सबसे बाहर होता है उसका मिडल लैमेला. लिखना नहीं, सिर्फ सुनना. मिडल लैमेला इज फॉर्म्ड ऑफ पेक्टिन्स. ये है प्राइमरी सेल वॉल, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज. और अगर थिक वॉल्ड हो, अगर सेल थिक वॉल्ड हो, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल इनसाइड है. It is formed of lignin, has depositions of lignin. So, parenchyma thin walled and walls formed of cellulose and pectin. यहाँ पे जो thickenings है तो इसकी भी cellulose and pectin है, थोड़ा सा heavy cellulose भी है. बट जो थिकनिंग्स है वो भी इसी की ही बनी हुई है. ठीक है, एट द कॉर्नर्स ओनली. जो स्क्लेरेंकाइमा है हैज यूनिफॉर्म थिक वॉल, सारी तरफ थिक वॉल है, सिर्फ कॉर्नर्स में थिकनिंग्स नहीं है. इट इज, अगर हम देखें तो इट इज कंप्लीट थिक वॉल. ये थिक वॉल है, तो कंप्लीट थिक वॉल है. एंड द थिकनिंग्स हैव डेपोजिशंस ऑफ लिग्निन. Thank you.
तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, दैट इज दे हैव लिग्निफाइड थिक वॉल्स, क्योंकि ये थिन वॉल्ड है, इसके जो इसका स्पेस है अंदर, ल्यूमन जो है वो बहुत वाइड है, हैज वाइड ल्यूमन, पोलेनकाइमा भी लिविंग है, ठीक है, यहां पर भी हैज वाइड ल्यूमन, बट यहाँ पे क्योंकि थिन वो थिक वॉल्स आ गई है, लिग्निफाइड वॉल्स आ गई है, दे हैव नैरो ल्यूमन और नो ल्यूमन, क्योंकि डेड है, प्रोटोप्लाज्म चाहिए ही नहीं, दैट इज व्हाई हम ये कहते हैं दे हैव नैरो ल्यूमन और नो ल्यूमन, ठीक है जी. These are closely packed and may have few intercellular spaces. यहाँ पे No intracellular spaces आपने पूरा लिखना है और यहां पे होगी नहीं सर, No intracellular spaces, ठीक है जी. शेप अगर हम देखें तो दे मे बी ओवल, are so diametric, कुछ भी शेप हो सकती है, दे मे बी इलोंगेटेड, ठीक है जी, और दे मे बी राउंड या पॉलीगोनल, लाइकवाइज इसकी अगर हम शेप देखें, इसकी भी ओवल हो सकती है, स्फेरिकल और पॉलीगोनल, पॉलीगोनल में जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है, स्क्लेरेनकाइमा में दे में भी फाइबर लाइक और स्क्लेरल्स. अगर पेरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं, तो मे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दस कॉल्ड एज, अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो हम उसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा. अगर पेरेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है तो उनको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा. पेरेनकाइमा सेल स्टोर्स एयर टू प्रोवाइड बायंसी टू एक्वेटिक प्लांट्स, इट इज कॉल्ड एज पेरेनकाइमा. जो पोलेनकाइमा है
इसका भी मैं ऊपर लिख रही हूँ, दे हैव, ये हमेशा है, दे हैव क्लोरोप्लास्ट। Therefore, these cells photosynthesize. Photosynthesis करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं assimilate food. मैंने आपको बताया है कि they provide, इसी की हम बात कर रहे हैं कोलेनफाइमा की ही, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। कहां पे प्रेजेंट है कोलेनफाइमा, स्पेसिफिक ही है, हर जगह नहीं है, प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस इन डायफोट स्टेम। ये अभी हम करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कहां पे प्रेजेंट है। एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन पिटियोल्स, पिटियोल द स्टॉक्स, petioles of leaves, यहां पे present है। Sclerenchyma dead है तो इसलिए no chloroplast। और मैंने आपको बताया है कि sclerenchyma जो है कहां कहां पे present है, that is sclerenchyma fibers जो है xylem and phloem, sclerids जो है, और भी कई जगह sclerenchyma होता है बट यहाँ तो है ही है, sclerids कहाँ पे present है, that is fruit wall of nuts, और कहाँ पे present है, that is pulp of guava। आप देखते हो गुआवा का अगर फल बहुत ओवर राइट ना तो क्रंची सा होता है, पियर है ना, क्रंची है, किस कारण है, स्लरीड्स के कारण है। पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा, सपोटा इज चीकू, लिख लेना ब्रैकेट में, सपोटा होता है चीकू। अनदर इज सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, जो दालें हैं उनका जो सीड कोट है वो किसका बना है, स्क्लेरिड्स का बना है। अनदर इज लीव्स ऑफ टी, सभी टी की जो लीव्स है वो सूख के हार्ड हो जाती है, गल नहीं जाती है, किस कारण, दैट इज क्लोरीड्स, राइट। तो पहले ये लिखो फिर आगे करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में नीचे लिख लेना फाइबर्स ऑलवेज अकर इन बंडल वेयर एज क्लोरीड्स अकर सिंगली। Sclerids occur singly, एक एक करके, जबकि फाइबर्स हमेशा बंडल में, ठीक है। Therefore, fibers provide strength, sclerids provide hardness. Fibers provide strength, sclerids provide hardness.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले आ जाता है बेटा ज़ाइलम। अगर ये प्लांट है, ये स्टेम है, तो ये अगर इसकी देख रहे हो, रीफिल अगर आप देख रहे हो जिससे हम लिख रहे हैं, तो ये ज़ाइलम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंक नीचे भरते हैं और वो ऊपर की तरफ कंडक्ट करता है। तो दिस इज जो सेंटर में है वो ज़ाइलम है, विच कंडक्ट्स वॉटर अपवर्ड्स, राइट। सो ज़ाइलम, ज़ाइलम का क्या फंक्शन है, इट कंडक्ट्स वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द हमेशा। ठीक है, तो इसलिए फॉर वॉटर एंड मिनरल्स मेनली, वॉटर तो है ही है, ठीक है, सोर्स क्या है, हमेशा सोर्स है रूट्स, और सिंक क्या है, कहां से जाता है, कहां पर जाता है, स्टेम है, तो सोर्स हमेशा रूट्स होगा और सिंक स्टेम एंड लीव्स है, इसलिए देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, हमेशा सोर्स टू सिंक जाती है चीज। ठीक है, जब हम फ्लोइंग करेंगे तो बताएंगे कि सोर्स सिंक अलग अलग भी हो सकते हैं, बट हियर फॉर वॉटर देयर इज ओनली वन सोर्स दैट इज रूट्स, और सिंक जो है हमेशा स्टेम एंड लीव्स, always therefore xylem conduction is unidirectional। तो एक function तो है कि it conducts water and minerals, सेकेंड है ज़ाइलम बीइंग डेड एक्सेप्ट ज़ाइलम पेरेन्काइमा, सिर्फ यही लिविंग है, बाकी सब डेड है। Xylem being dead, except the xylem parenchyma, thus it provides mechanical strength to plant. So, एक तो xylem का क्या function है? Roots में से conduction करना water and minerals की, और दूसरा सेंटर में प्रेजेंट है इसलिए, और दूसरा तीसरा ये डेड है, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ ज़ाइलम, वेसल्स ज़ाइलम पेरेन्काइमा एंड ज़ाइलम फाइबर्स, ये जो बीज आर डेड
This is living. This is dead. Fibers ka function hai, provide strength. Parenchyma ka function hai, storage of food. Tracheids and vessels ka function hai, act as kya bolte hain ko, tracheary elements. Kyun bolte hain tracheary elements? Kyunki yahi jo do hai, that is tracheids and vessels, which helps in conduction of conduction of water and minerals. As they help in conduction. Iski conduction of water and minerals. Right? Ab hum thoda sa ek comparative study kar rahe hain ki जो वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, आपको पता है एल्गी में कोई जाइलम फ्लोएम नहीं थे, ब्रायोफाइट्स में नहीं थे. किस में आए सबसे पहले? टेरिडोफाइट्स में. फिर और डेवलप हुए जिम्नोस्पर्म्स में, और मैक्सिमम डेवलप है एंजियोस्पर्म्स. सो वैस्कुलर टिश्यूज फर्स्ट originated in pteridophytes and are well developed in gymnosperms and angiosperms. Ab jo vessels hai, another important point. Vessels are absent in pteridophytes and gymnosperms, except few gymnosperms. हमने gymnosperms में भी किया था, except few gymnosperms. Such as Neatum, Ephedra, and Welwitschia. ये तीन gymnosperms हैं बेटा. वैसे gymnosperms में in general vessels नहीं होती है, but ये तीन gymnosperms हैं जिनमें vessels हैं, which have स्पेशलाइज्ड वेसल्स को हम बोलते हैं मिथेलियन वेसल्स. ठीक है, ओनली एंजियोस्पर्म्स हैव वेल डेवलप्ड वेसल. ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यूज मतलब इसका क्या मतलब है कि टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में वाटर किसके थ्रू कंडक्ट हो रहा है? ट्रकीड्स के कारण. वेसल्स उसमें नहीं है. एंजियोस्पर्म्स में क्योंकि वेसल्स आ गई है, देयरफॉर ट्रकीड्स आर रिड्यूस्ड और दीज आर फ्यू इन नंबर. दे हैव वेल डेवलप्ड वेसल्स, देयरफॉर है you tricky. Okay, let's go.